बेदी, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, उपेंद्र नाथ अश्क, देवेंद्र सत्यार्थी, अहमद नदीम कासमी, ख्वाजा अहमद अब्बास और कृष्ण चंद्र, वो नाम हैं जिन्होंने 20वीं सदी की तीसरी दहाई में उर्दू फिक्शन को एक नया मोड़ दिया। कृष्ण चंद्र पुंछ में पैदा हुए और तालीम के बाद लाहौर पाकिस्तान चले गए। यहां फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज से एफएससी का इम्तिहान पास किया, फिर तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली आ गए। यहां ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। कुछ दिनों बाद उनका तबादला ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ हो गया, जहां उन्हें एक फिल्म की ऑफर मिली और उन्होंने पूना के लिए रखते सफर बांधा और शबाब प्रोडक्शन में काम करने लगे। यहां उन्होंने मन की जीत की कहानी और मकाल में लिखे। फिर पूना से वो बंबई चले गए। यहां उन्होंने दो फिल्में बनाई जो फ्लॉप रहीं। नेज उन्होंने दूसरी फिल्मों में कहानी भी लिखी और मकाल में भी। कृष्ण चंद्र अपने जमाने के एक मारूफ फिक्शन निगार और फिल्मकार थे। उर्दू अदब के अहदे जदीद की तारीख में उनका जिक्र किए बगैर कोई भी फहरिस्त मुकम्मल नहीं हो सकती। जबान के माहिर थे। अफसाना सिर्फ खूबसूरत जबान में बोलते चले जाएं तो उसमें वो कहानी अपने आप बन जाती थी। एक किसी एक किरदार को लेके भी वो कहानी बना लिया करते थे और उसको उनका बयान ही अपने आप में है। वो जबान का मज़ा लिखने का मेरा ख्याल है किसी अदीब ने इस तरह से नहीं लिया जिस तरह से कृष्ण जी ने किया। कृष्ण जी के छोटे भाई महेंद्रनाथ भी, वो भी दोस्त थे, उनसे भी मिलना उठना बैठना हुआ करता था, लेकिन वो कहानी उस तरह से बयान और नहीं करते थे कोई भी, किसी ने नहीं की। हालांकि ए हमीद वगैरह पाकिस्तान से जब लिखते थे तो कहते थे कि ये अंदाज कृष्ण जी, लेकिन जैसे दिलीप कुमार ने बहुत से दिलीप कुमार पैदा किए हैं, कृष्ण जी ने कृष्ण चंद्र बहुत उनकी नकल के बहुत पैदा किया अदीब उस जमाने में जो जबान के साथ खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जो अंदाज कृष्ण जी का था वो सिर्फ उन्हीं का अपना ही था। कृष्ण चंद्र जो हैं वो ज़्यादा मतलब हमारे साथ गपबाजी में और बहुत सहल पसंदी में वो हमारे बहुत करीब थे। एक तो ये कारण था कि गुलजार जो था उन दिनों में चार बंगले में रहता था और वो कृष्ण जी का जो घर था उसके पिछवाड़े में, कृष्ण जी जब बाथरूम में जाते थे तो उसके दरवाजे से होके जाते थे और कृष्ण जी को मिलना, कृष्ण जी के साथ बस में ट्रैवल करना। फिर कृष्ण जी महेंद्र नाथ उनके छोटे भाई थे, उनके यहाँ आते थे तो हमारा यही रहता था, हमेशा यही रहता था कृष्ण जी अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी की कहानी जब छपती थी तो हम भागते थे, हम कोशिश करते थे कि उसी दिन वो कहानी हमारे पास आए और हम वो कहानी पढ़े। और वो खूब लिखते थे और रोमांटिसिज्म उनके अंदर बहुत बेमिसाल भरी हुई थी और कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी थी हमारी उनके साथ। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि कृष्ण जी आप एज़ यूजल हमारे लिए तो खुदा हैं, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ये बात समझने की है कि हम अपने अदीब को खुदा मानते थे, जो आज के ज़माने में लोगों को नाम नहीं मालूम है। अगर आप किसी के पास जाइए सागर सर्दी नाम लीजिए तो बोले क्या करते हो, उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त जो थे कृष्ण चंद्र अगर है, बेदी साहब हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, सरदार जाफरी हैं, कैफी आजमी हैं, आम नाम लीजिए खड़े हो जाएंगे लोग। तो ये जो फ़र्क आ गया कल्चर में, आज के कल्चर में। तो एक दिन मैंने हम लोग बैठे थे तो अमली सामने बैठे हुए हैं, बात करना भी डर डर के, कृष्ण जी क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बताया कि वो एक ड्रामा लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस ड्रामे का नाम था दरवाजे खोल दो। वो ड्रामा बाद में ख्वाजा अहमद अब्बास ने डायरेक्ट किया और हमने वो प्ले देखा। कहानी हम तकरीबन हर कहानी पढ़ी है। मैं जैसे आखिरी बस उनकी कहानी है
आखिरी बस कहानी कि आखिरी बस चलती थी 10 बजे अंधेरी स्टेशन से, और वहाँ से चल के 4 बंगले तक हम लोग बस में आया करते थे, क्योंकि वो छूट जाए तो बड़ा सुनसान और डरावना रास्ता है, यहाँ से अगर पैदल चलना पड़ेगा और काफ़ी दूर है। आखिरी बस में पहुँचते पहुँचते वो ट्रेन का सिलसिला के पहुँचिए, वक्त पे पहुँची, नहीं तो वो बस नहीं मिस होनी चाहिए, और मिस हो जाती थी। और कई दफ़ा ये कि उस वक्त इस तरह से जिस तरह ठुसे रहते हैं खड़े हुए हैं लोग, वो खड़े होने की इजाज़त नहीं होती थी। तो और एक औरत आती है, एंड में देर हो गई है वो, और खड़े होने की इजाज़त नहीं दे रहा कंडक्टर, और एक आदमी, कोई नहीं, सारे आराम से बैठे हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं, ले नहीं रहा, एक आदमी लंगड़ाता हुआ जो था वो मजदूर था, उसको देखा था कई बार, वो उतर जाते उतर गया, उसने उनको जगह दे दी, मोहतरमा को भाई आप बैठे मैं जाता हूँ, बस चली गई। इस आदमी को भी हमने देखा हुआ था, और ये वाकयात भी रोज़ देखते थे, लेकिन कहानी कृष्ण जी ने लिखी, हम सब देखते ही रहते थे, लेकिन उसको कहानी बना लेना और कहानी कह देना, कहाँ से ढूंढ लेते थे, उठा लेते थे, कहीं से भी उठा लेते थे और कहानी बना लेते थे। महालक्ष्मी पुल से गुजरते हुए टंगी हुई साड़ियाँ, धोबी घाट था पीछे, हम सब ने देखी है, इस तरफ सामने रेस कोर्स है, हम सब ने देखा है, लेकिन वहाँ पर कोई कहानी रखी है इसका पता कृष्णचंद, उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि वहाँ कहानियाँ रखी हैं, वो उठा लिया करते थे, हमें तो नहीं समझ आती थी, मतलब हम थे भी कुछ नहीं, लेकिन सोचते हैं आज कि उन्हें कैसे मिल जाया करती थी वहाँ कहानी, किस किस नज़र से देखते थे, ये कृष्णचंद्र थे। हमने जो कुछ सीखा है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कृष्ण जी बहुत आसान थे, कृष्ण जी के कहानियों में रोमांटिसिज्म था, कृष्ण जी की लैंग्वेज जो थी वो शायरी की तरह थी, उनकी जो इंस्पिरेशन थी हमको एडाप्ट करना, समझना, थोड़ा सा कॉपी करना, थोड़ा उस लबोलेजर में लिखना आसान था। उन्होंने अपनी तहरीरों में हकीकत निगारी के रुझान को तकवीयत दी और उर्दू अदब की अफसानवी तारीख को इम्तियाज बख्शा। कृष्णचंद्र एक बिस्यार नवीस तख्लीकार थे, उनके लिखने की रफ्तार कभी कम ना हुई, उन्होंने मुसलसल लिखा, अफसाने, नॉवल, ड्रामे, मकालमे, मंजरनामे लिखे, तो बच्चों के लिए कहानियां और नॉवल भी लिखे। उन्होंने तकरीबन 5,000 से ज्यादा अफसाने लिखे जो 22 मजमुओं की शक्ल में शाया हो चुके हैं। इसके अलावा 21 नॉवल, 3 रिपोर्टाज और मुतफर्रिक मौजूआत पर 30 किताबें तहरीर की। तमाम हिंदुस्तानी जबानों के अलावा दुनिया की कई जबानों में उनकी किताबें तर्जुमे होकर मकबूल हो चुकी हैं। कृष्ण चंद्र ने एक खालिस फनकार की तरह जिंदगी गुजारी, आजाद, अपनी मर्जी के मुताबिक, इस्तेसाल के खिलाफ अपने कलम से जंग करते रहे और अपने इस्तेसाल की भी किसी को इजाजत नहीं दी। उन्होंने खुद को किसी मखसूस मजहब, फिरके या सियासी जमात से वाबस्ता नहीं रखा, उनकी वाबस्तगी सिर्फ मजलूम अफराद के साथ रही। वो तंग नजर नहीं थे और ये तमाम बातें उनकी तहरीरों में भी नजर आती हैं। कृष्ण जी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और कोई भी होता तो उनके साथ अच्छा ही वक्त गुजरता, इसलिए कि वो एक बहुत ही अजीब तरह की शख्सियत थे कि वो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाते थे, और वो तो राह चलते आदमियों से भी इस तरह बात करते थे जैसे बहुत दिनों से उनकी कोई मुलाकात हो, बल्कि राह चलते लोगों से तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से घुल मिल जाते थे। और मेरी तो उनसे जान पहचान उनकी कहानियों के ज़रिए हुई। अन्नदाता,
तो पहली कहानी जो मैंने पढ़ी वो एक तरह की कहानी भी थी, रिपोर्टाज था, तवील अफसाना भी आप उसे कह सकते हैं। उसने मुझे, उससे पहले प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी, लेकिन उसने तो ऐसा मालूम हुआ कि मेरे दिल और दिमाग के दरीचे खोल दिए और मेरी समझ में नहीं आता था कि इतनी सारी बातें किस तरह से एक इंसान जो ख़ुद वहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन वो उन तमाम मुसीबत ज़दा लोगों के लिए इस कदर अंदर तक जाके और इस तरह से उनकी, एक तरह से उनकी नुमाइंदगी कर रहा है। और ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि जिस तरह से शायर जब कुछ महसूस करता है और अगर उसका वो एहसास जो महसूस करता है उसकी शायरी में आ जाता है, उसी वक्त उस शायरी में जान पड़ती है। तो यह कहानी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मुसव्विर के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन कृष्ण जी तो अपनी कहानियों के ज़रिए हम सब तक, जिन्होंने उन्हें पढ़ा है, पहले अपनी मुलाकात से पहले अपनी कहानियों के ज़रिए वो अपने तमाम कारीन से बहुत ज़्यादा ख़ुद भी मुतारिफ हो चुके थे और उनके कारीन भी उनसे तारुफ उनका भी हो चुका था। कृष्ण चंद्र का नाम एक ऐसा नाम है कि अफसाना नगारी में उस ज़माने में भी एशिया का अजीम अफसाना नगार उनको लिखा जाता था। उसके बाद चूँकि उस ज़माने में दूसरी कोई रोज़ी रोटी की का ज़रिया नहीं था और अदब ही उनके लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया भी था, तो कुछ कंप्रोमाइज़ भी किए उन्होंने और बहुत सारे नावल ऐसे लिखे जिनका अदबी मैार वो नहीं था जो उनके अफसानों का, या ख़ुद जो अंदर से अर्ज होती है उस तरह के अफसानों का जो मैार था वो नहीं रहा। अगर इंतखाब किया जाए, और इंतखाब हुआ भी है, तो उनके ऐसे अफसाने हैं जिनमें हैत के, टेक्निक के और मौजूद के बेपनाह तजर्बे हुए हैं। उनके यहाँ वसत बहुत थी, उन्होंने बहुत वसी मौजू को अपनाया और उनके यहाँ तनवो बहुत था मौजूद का, तरह तरह के मौजूद पर उन्होंने लिखा। कृष्णचंद्र कमिटमेंट बहुत था उनका, कमिटमेंट उनका तरक्की पसंद तहरीक के सिलसिले में भी था और अदब के सिलसिले में भी था। वो अफसाने से में इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि एक वाकया सलमा सिद्दीकी ने लिखा है कि अक्सर वो कमरा बंद करके लिखा करते थे, अपने लिखने के कमरे को हमेशा अंदर से बंद कर लेते थे। तो मुझे एक दिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं देखूँ तो कि ये क्या है, ये बंद क्यों करते हैं, भाई लिखते हैं सभी लोग हैं ये। तो मैंने एक खिड़की में से रोशनदान की मैंने देखना शुरू किया, कृष्ण जी लिख रहे थे और लिखते लिखते एक उनके चेहरे पे गुस्सा पहले और फिर एक बहुत ही एक जालिमाना कैफियत उनके चेहरे पे नज़र आई। तो मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने कृष्ण जी को इस मूड में कभी नहीं देखा था। मैं कहा ये है क्या, मैं घबरा के वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद वो निकले, खाने की मेज़ पे आए, हमने उन्हें खाना शुरू किया, वो फिर वैसे ही पहले की तरह, वैसे ही खुशमिजाज, वैसे ही मुतमईन नज़र आए, वैसे ही खाने में दिलचस्पी ली उन्होंने। तो मैंने कहा ये है क्या किस्सा, तो मैंने वो कहानी जाके पढ़ी। तो वो कहानी कृष्ण जी की एक बहुत मशहूर कहानी है, आधे घंटे का खुदा। वो कहानी थी, उसमें कहानी ये है कि एक
एक हिंदुस्तानी सिपाही है जो कि वहाँ की कश्मीर जाता है, वहाँ पे उसको एक कश्मीरी लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और वो वहाँ पे होता है। लेकिन जब उसे ये मालूम होता है कि वो लड़की जो है वो जासूस है, वो पाकिस्तान की भेजी हुई लड़की है, तो वो उस लड़की को उसी वक्त उसको ख़त्म कर देता है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये जो गुस्सा, नफ़रत, इंतकाम जो कुछ चेहरे पे था वो कृष्णचंद्र का नहीं था, वो उस हिंदुस्तानी का था जिसने एक पाकिस्तानी या दुश्मन जासूस को कत्ल किए करते वक्त उसके चेहरे पे था। उसके बाद से मैंने फिर कृष्ण जी को कभी उनको लिखते वक्त नहीं देखा, ख़ास तौर से उस वक्त जब वो एक गधे की आत्मकथा लिख रहे थे। मैंने सोचा भाई अगर इंसान को, किसी राइटर को ख़ुद वो बन जाना पड़ता है अपना मौजू, तो फिर मैं क्यों देखूं? तो इससे ही पता चलता है कि उनकी तख्लीकी कुव्वत जो थी वो एक तो बेपनाह थी और कमिटमेंट बहुत था और इन्वॉल्वमेंट बहुत था। वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे अपने अफसानों के साथ और अपने किरदारों के साथ, उस मौजू के साथ, कि बेपनाह अपनाइत महसूस करके उनको तख्लीक करते थे। उन्होंने ऐसे अफसाने लिखे जो अवाम को से ख़िताब भी था, अवाम के लिए होते थे, अवाम को के दर्द और उनके मसाइल बयान होते थे। लेकिन तरक्की पसंद अफसाना नगारों में सबसे ज़्यादा अगर हैद के तजर्बे किए हैं तो वो कृष्णचंद्र ने ही किए हैं। कृष्ण जो है वो तेज़ रो था और उसके पास तेज़ रवि भी एक ख़ूबी होगी, है, लेकिन उसके पास फनी, जैसे होती है रुकावट नहीं कहूँगा, रोक वो ज़रूरी होती है। अब टॉल्स्टॉय की कहानी को आप ऐसे पढ़े ना तो कहीं भी ऐसे लगता है कि रगड़ नहीं पैदा हुई, अपने आप कहानी स्मूथली चली जाती है। तो ये खूबी है ना, बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन ये फितरी लगनी चाहिए। अगर आप बहुत कोशिश करें, अब जहाँ जहाँ आपके बेदी, अब उसकी आदत पड़ गई थी, और मेरा ख़्याल है कि वो कभी कभी अपनी इस आदत से चिढ़ जाते होंगे, जहाँ कि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको उससे, यानी जो कृष्णचंद्र के पास वो रुकावट नहीं थी, तो बहुत से फनी तौर पर नक्स पैदा होने शुरू होंगे जो वेदी के पास है ही नहीं या बहुत कम है। लेकिन उसका फ़ायदा कृष्णचंद्र को ये हुआ कि कृष्ण में एक तेज़ी आ गई और इनके यहाँ रुकावट जो थी, और उस रुकावट का पैदा ये हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि उनका फ़न बेहतर हो गया। यानी फ़न ये नहीं है कि आदमी तेज़ 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 बोलते बोलते बहुत बड़ी बातें करता चला जाए, फितरी तौर पर आ जाता है कभी कभी कि तेज़ी थी, तुंदी थी, लेकिन किसी जगह आपको रोक ले ना, आप तेज़ तेज़ पढ़ते जाते थे और पढ़ते पढ़ते भूलते जाते थे, उसका अच्छा लगता था। तेज़ रवि है उसकी और अमूमियत है और पॉपुलर सबसे ज़्यादा उस वक्त हुआ, लेकिन उसकी ढेरी भी और ढह भी जल्दी सबसे गया, कोई नहीं, जिक्र नहीं होता उसका। और ऐसा नहीं है कि उसके साथ भेजा या कोई बेइंसाफ़ी कर रही है, भेजा तरीके से नहीं, एक फितरी तरीके से नहीं आता, और एक रुकावट की ज़रूरत थी उस वक्त फ़नकारों में। ये जो हमारे हकीम, मौलाना, मुर्शद, ये जिस तरीके से कहानी में हकायत में हकायत डाल रहे थे और तजियें डाल रहे थे, नेकी की खूबियां गुनवाते थे, जिस तरह ये करो वो ना करो, ये ऐसा था राशिद खैरी का जो ज़रिया था, वो ज़रा पहले भी था, लेकिन वो कहानी उस तरह नहीं होती है कि ये जहाँ ये मामला आता है ना, अच्छा बुरे से बेहतर है। और सबसे पहला नॉवेल उनका जो है शिकस्त,
शिकस्त में कृष्ण जी अपने पूरे, यानी वो पहला नावल है उनका, और मैं मुझसे अगर आज भी कोई पूछे कि उनका बेस्ट बेहतरीन काबिले कदर नावल कौन है, तो मैं आज भी ये कहूँगी कि शिकस्त, क्योंकि शिकस्त में उन्होंने अपने कश्मीर में वो पैदा हुए, पुंछ में उनके वालिद थे डॉक्टर, तो कश्मीर से जो उनका एक इश्क था वो ऐसा था कि वो बहुत मुश्किल से किसी ऐसे आदमी को मिल सकता है जो कि कश्मीर में ना पैदा हुआ हो, यानी कश्मीर की एक एक चीज़ वो जिस तरीके से बयान करते हैं, उसके सिर्फ उसके मनाजिर को नहीं, उसकी एक एक चीज़ को, जब मैं वहाँ गई हूँ तो एक एक चीज़ देखो ये है और ये दरख्त है और इसके ऊपर ये सेब है और फलां ये है, यानी वो तमाम चीज़ें तो सारी दुनिया में होती होंगी लेकिन कृष्णचंद्र के लिए वो बे इंतहा कीमती और काबिल कदर होती थी क्योंकि वो कश्मीर में होती थी।